आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सिद्धार्थ जी ने, जो कि आसाम जगी रोड के रहने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सिद्धार्थ जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिद्धार्थ जी बताते हैं कि घटना आज से यही कोई 1.5-2 साल पहले की होगी, यानी साल 2018। तब मेरी उम्र तकरीबन 19 साल के आसपास की रही होगी। जब हमने अपने गांव जाने का तय किया, हमने यानी मेरे और मेरे एक दोस्त ने, हम पहली बार अपने घर से इतनी दूर अकेले जा रहे थे, तो हमें थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी, मगर घबराने से ज़्यादा हम एक्साइटेड थे। हमारी ट्रेन रात के 11:30 बजे की थी, तो ठीक ट्रेन के समय मुताबिक हम स्टेशन पर पहुंच गए। हम दोनों अभी प्लेटफॉर्म पर लगे बेंच पर बैठे ही थे कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से वो ट्रेन जिससे हम गांव जाने वाले थे वो देरी से चल रही है। ट्रेन को यहाँ आने में अभी वक्त लगने वाला था, जिस वजह से हम लोग स्टेशन से बाहर निकल आए, ये सोचकर कि क्यों ना हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम लोगों ने थोड़ी बहुत पेट पूजा की और वहीं कुछ देर वक्त बिताने के बाद वापस स्टेशन में आए, तो अभी भी हमारी ट्रेन नहीं आई थी। कुछ 15-20 मिनट वहीं वेट करने के बाद जब हमारी ट्रेन आई, तो हम लोग बिना वक्त जाए किए ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में सवार होते ही सबसे पहले मेरी नज़र ट्रेन की सीट्स पर गई, जो कि पूरी तरह से खाली, यानी उस बोगी में सिवाय हम दोनों के इक्का दुक्का लोग ही थे। उनमें से कुछ सो चुके थे और कुछ अभी भी जाग रहे थे। हमारा गांव कुछ ही स्टेशनों के बाद ही आने वाला था, तो हम लोग अभी भी जाग रहे थे। लिहाजन मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन पर टाइम पास करने लगा। मैं हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत ही शौकीन था, तो मैं अपने फ़ोन से हेडफोन्स को कनेक्ट करके हॉरर स्टोरीज ही सुन रहा था। स्टेशन पर हम दोनों को मेरे मामा का बेटा लेने आने वाला था, तो स्टेशन पर उतरने के बाद हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। मैं अभी कहानियों का मजा ले ही रहा था कि तभी हमारी ट्रेन की स्पीड धीमी पड़ने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर एंटर कर रही थी। कुछ देर बाद जब हमारी ट्रेन उस स्टेशन पर पूरी तरह से आ गई, तो मैंने देखा कि वो स्टेशन बड़ा ही वीरान है, मानो उस स्टेशन पर कभी साफ सफाई ना हुई हो। दरअसल यहाँ पर ट्रेन को इसलिए रोका गया था क्योंकि वहाँ से अभी एक दूसरी ट्रेन की पासिंग होने वाली थी, और पासिंग हो जाने के बाद ही हमारी ट्रेन को खोला जाना था। लिहाजन मैं ट्रेन के दरवाजे पर गया। अभी हमारी ट्रेन को खुलने में वक्त लगने वाला था, लिहाजन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर बाहर टहला जाए। ये सोचकर मैं अभी ट्रेन से उतर ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, रुको। मैंने पीछे पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग चाचा जी थे जो मुझे रोकते हुए कह रहे थे, तुम्हें पता नहीं क्या स्टेशन के बारे में? जिस पर मैंने, अरे कुछ नहीं होगा चाचा। यह बोलकर मैं ट्रेन से उतर गया। मैं अभी ट्रेन से उतरने के बाद कुछ दूर गया ही था कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, भैया जी ये टाइम क्या हो रहा है अभी? जिस पर मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 2:30 बज रहे हैं। यह बोलते हुए मैं पीछे पलटा तो मेरे पीछे कोई इंसान नहीं था। मैंने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई, मगर वहाँ दूर दूर तक सिवाय मेरे कोई इंसान नहीं था। मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वहीं टहलने लगा। टहलते वक्त
मैंने ट्रेन की तरफ देखते हुए नोटिस करी कि आमतौर पर ट्रेन से इस तरह रुकने पर ट्रेन में बैठे मुसाफिर बाहर निकलकर टहलते हैं, मगर इस स्टेशन पर सिवाय मेरे ट्रेन से और कोई दूसरा नहीं उतरा था। मैं अभी वापस ट्रेन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे बढ़ते कदमों को एक तेज आवाज ने रोक लिया। वो आवाज किसी औरत की थी जो मुझे बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से आ रही है। लिहाजन मैं दूसरे साइड पहुंचा, मगर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा, पर बराबर मुझे वो मदद की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कुछ ही देर में वो बचाओ बचाओ की आवाज आनी बंद हो गई, जिस वजह से मुझे लगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा मेरे साथ। मैं इस बीते घटना को एक मजाक मानकर वापस ट्रेन की तरफ मुड़ा ही था कि तभी किसी ने मेरी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ के समान ठंडा था। किसी तरह मैंने उस हाथ के पकड़ से अपने खुद के गर्दन को छुड़ाया और पीछे पलटा। पीछे पलटते ही मैंने जो देखा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मेरे पीछे एक औरत थी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसके दोनों पैर गायब थे, बस उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई पड़ रहा था। यह देखने के बाद मैं वहीं जमीन पर गिर गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। मेरी यह चिल्लाने के बाद मुझे वही चाचा जी ट्रेन से मेरी तरफ आते हुए दिखे, जिसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं ट्रेन में था और अब तक ट्रेन वहां से खुल चुकी थी। मेरे बगल में वो चाचा जी और मेरा दोस्त बैठा हुआ था। इतने में ही उन चाचा जी ने कहा, मैंने मना किया था ना तुम्हें बाहर जाने से। उस वक्त मैं कुछ भी बोलने के हालत में नहीं था। मैंने अपने दोस्त को गांव में किसी से ये बात बताने को मना किया, ये सोचकर कि खामोखा सब लोग चिंता करेंगे। गांव पहुंच जाने के बाद मैं सो नहीं पाया और ना ही मैं अब ये जानने की कोशिश की कि वो क्या था। तो दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।